Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de buceta pra mim. Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de buceta pra mim. Passa em mim, 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 passa em mim. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं एक मोस्ट डिमांडिंग ट्यूटोरियल जिसका नाम है सिग्मा किंग। तो सबसे पहले आपको लोन वोल्फ में जाना है, गेम स्टार्ट करना है विदाउट कस्टम बनाने वाले और यहाँ पे शॉर्ट रेंज गन ले लेनी है आपको। मैं मुझे मेरी कैनन ले लेता हूँ। और आपको सामने जाके एक ही जगह खड़े हो जाना है, तो वो बंदा आपके सामने आएगा ही आएगा और आपको इमोट दिखा के मारेगा। तो आपको ऐसी एक क्लिप ढूंढनी है, वो आप अपनी वीडियो में डाल सकते हो। देखिए बंदा आ रहा है, चलिए हम आगे चलते हैं। और आपको बैठ जाना है जब वो गोली मारे। तो गाइस, इस इमोट पर भी आप सिग्मा किंग वाली वीडियो बना सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है रिप्ले ऑप्शन से और वो चीज़ रिकॉर्ड कर देनी है बस। पर गेम एंड हो चुकी है और अब आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अपनी प्रोफाइल के अंदर। अपनी प्रोफाइल आ चुकी है गाइस, तो आपको रिप्ले वाले ऑप्शन में आना है और इसको सेव कर लेना, प्ले कर लेना है। यहाँ से अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। उसके बाद अपनी वो क्लिप ढूंढना जहाँ पे आपको बंदे ने मारा था। तो ये इमोट कर रहा है, ये एक है अपने मुंह से जो फ्लेम फेंक के, तो आप नीचे बैठ जाना उस टाइम। वो भी एक टाइप का सिग्मा ही है। तो इतनी हमारी वीडियो थी, वो बन चुकी है। कैप कट में हम लोग आ चुके हैं गाइस। अब आपको न्यू प्रोजेक्ट पे दबाना है और अपनी उस क्लिप पर जो हमने अभी बनाई है और वो हिस्सा ढूंढना है जहाँ पे आपको उस बंदे ने मारा था। मतलब ये देखिए, यहाँ पर हम भी इमोट दिखा रहे हैं, वो भी इमोट दिखा रहे हैं। तो यहाँ से इसको कट कर देना। उसके बाद पहले फॉर्मेट है ना, अगर शॉर्ट डालना है तो 9:16 कर देना। ओके, और थोड़ा एडजस्ट कर लेना। साउंड नहीं है तो आप सिग्मा किंग वाली जो साउंड है ना रेडी कर रखा है, तो हम ले लेते हैं। ये रही गाइस वो साउंड। और अब हम देखते हैं कहाँ है। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ हमें मार रहा है, तो हम ये वाली जो क्लिप है ना, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, स्लोमो भी कर सकते हैं, जैसा मन चाहे कर सकते हैं। आई थिंक एक्सटेंड हम करेंगे अभी। यहाँ से एक एक इमोट स्टार्ट हो रहा है। चलो गाइस, यहाँ से हो रहा है। ओके, सो गाइस, हमारा कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर नीचे बैठ रहा है, तो इसको उससे पहले ही थोड़ा स्प्लिट मार देना। और इसको अभी भी टाइमिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो ऐसे करना, पहले 0.7 में हम ट्राई करते हैं। थोड़ा सा हम कट करेंगे आगे से, देखते हैं। बिल्कुल ठीक टाइमिंग है गाइस। अब जो हमने स्पीड को 0.7 किया था ना, उसको हम पिच कर देना और बेटर क्वालिटी, इससे आपकी जो क्वालिटी है वो इन्हेंस हो जाती है। हमारा स्मूथ स्लो मोशन हो चुका है, एक बार आप चेक कर लो। देख रहे हो आप गाइस कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग देख रहे हो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस, ये जो फ्लेम आ रही है ना, जैसे ही हमारा कैरेक्टर बैठेगा इसको कट कर देना, बाकी पार्ट की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसको एक बीट तक पहुंचा देना, जब पहली बीट स्टार्ट होगी तो कट कर देना। आई थिंक 0.5 करना पड़ेगा हमको, पहले चेक कर लेते हैं। बिल्कुल गाइस, हमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्शन, 0.4, बिल्कुल ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पे स्मूथ स्लो मोशन कर देंगे इसको भी। हो चुका है गाइस। आप यहाँ पर सिग्मा फेस लगा देना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हो। तो गाइस, ऐसी कुछ मेरी क्लिप मिलेगी आपको, इसको पहले वाला कट कर देना। ये इधर काफ़ी है, पहले स्प्लिट कर दो, उसके बाद ये जो सिग्मा फेस है ना, इसकी वॉल्यूम बिल्कुल कम कर देना और ये पूरी क्लिप में रखना है आपको। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या हमारा सिग्मा की वीडियो बन चुकी है। तो
ओके गाइस, तो बिल्कुल मस्त वीडियो हमारी बन चुकी है। अगर आपको इसमें स्पेशल इफेक्ट्स भी डालने हैं तो आप डाल सकते हो, अपना वीपीएन कनेक्ट कर लेना। इसमें जब आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाए, आपको इफेक्ट्स में आ जाना है और अपना मनपसंद इफेक्ट जो डायमंड रूम है वो डाल देना है। ठीक है गाइस, तो और हमें कौन सा इफेक्ट लेना है मैं आपको बताता हूँ। एक तो विग्नेट ले लेना, विग्नेट को इसमें टेक्सचर फुल है, काफ़ी है, विग्नेट आपको फुल वीडियो में रखना है। ओके गाइस, ठीक है, और आपको इफेक्ट में आ जाना है। फिर से आपको यहाँ पर बेसिक में आ जाना, एज ग्लो मिल रहा है, एज ग्लो पे ये आपको फुल वीडियो में कर देना है। ठीक है, फुल वीडियो में कर देना, और इसका ग्लो है ना वो थोड़ा सा 35 काफ़ी है, वैसे सिग्मा वीडियो के हिसाब से 35 काफ़ी है ग्लो। एडजस्ट में आ जाना आप गाइस, या फिर आप अगर आप एडजस्ट में नहीं आना चाहते, आपको ओवरले ले लेनी है, ओवरले लेनी है आपको, स्टॉक वीडियोस में आ जाना, यहाँ पे ब्लैक ओवरले मिलेगी, इसको एडिट में जाना, रोटेट कर देना, 90 डिग्री हो जाएगा ये, इसको फुल वीडियो में अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना। फिर आपको जितनी आपकी सिग्मा वीडियो उतने सिग्मा फेस में सिग्मा वीडियो तक ही रखना। ओके गाइस, तो आप सोचोगे ये क्या हो गया, अभी तो फुल ब्लैक हो गया, अभी रुको जरा सब्र करो, सॉफ्ट कर लेना इसको, और आई थिंक 60% काफ़ी रहेगा वेट देखते हैं। तो गाइस, ये हमारी वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको 4K कर लेना और 60 FPS और इसको अपलोडिंग पे लगा लेना। गाइस, हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, YouTube पे अपलोड आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और बस आपको, और गाइस आपको अपनी वीडियो 4K में कन्वर्ट कैसे करनी है वो भी एक अलग टॉपिक है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।